अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। झेड़ा झाल परियोजना के तहत जहां अरबों रुपए का खर्च वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है, वहीं धरातल पर इस परियोजना का सच देखें तो मामला वार्ड नंबर 12 का है, जिसके पार्षद मनोज शंखवार हैं। वहां के बाशिंदों का कहना है कि नगर निगम द्वारा लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो झेड़ा झाल परियोजना के तहत पानी आ रहा है उसमें लगातार कीड़े आ रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम में उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन नगर निगम इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व आनंद नगर में झेड़ा झाल के पानी को पीने से ही कई बच्चों को डायरिया हो गया था, जिसमें दो बच्चों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। उसके बाद शासन की कुछ पल के लिए नींद खुल गई, लेकिन बाद में फिर वही ढाके तीन बार नगर निगम सो गया अपनी कुंभकर्णीय नींद में, और नगर की जनता पानी पीने के लिए त्राही त्राही राजनीति कर रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा पीने योग्य पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई जा रही, जिसके चलते वहां के लोग दूषित पानी पीने को लाचार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम पानी का टैक्स वसूल करना जानता है या आम जनता को पीने योग्य पानी भी दे सकता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। देखिए हमारे विशेष संवाददाता प्रशांत शर्मा की ये रिपोर्ट। पानी के कीड़े वगैरह आ रहे तो सारे मोहल्ले वालों का क्या कहना है? मोहल्ले वालों का क्या भैया, चक्कर ये है कि जनता का हम प्रतिनिधि हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो भी व्यवस्था है वार्ड की उसको हम दुरुस्त करें। अभी मेरे पास शिकायत आई है सवेरे के पानी में कीड़े आ रहे हैं, मैंने तुरंत नगर निगम अधिकारियों को बताया, अवगत कराया है, और वहाँ से टीम भी आ गई है नगर निगम से वार्ड में, अभी काम कर रही है, और लगातार कई बार वार्ड में पानी में कीड़े आए हैं। मैंने कई बार शिकायत करी है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत देर के लिए सही कर दिया जाता है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों द्वारा उसकी जो लगातार व्यवस्था अगर सही रहने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं लगातार इसकी शिकायत नगर निगम अधिकारियों से कर रहा हूँ। जो नालियाँ वो भी चौक चली हुई है, सिवर लाइन में टूटी हुई है, उनका क्या है? उनके लिए मैंने लगातार शिकायत दी है, DM साहब को शिकायत दी है, और क्या नाम है, नगर निगम अधिकारियों को शिकायत दी है, नगर आयुक्त साहब को शिकायत दी है कि मेरे वार्ड में 15 मोहल्ले हैं और केवल 15 कर्मचारी हैं, अगर एक और एक एक मोहल्ले में, और मेरे वार्ड की आबादी करीब 30,000 से ज़्यादा है, और 30,000 से ज़्यादा की आबादी में केवल 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो लगातार उसकी व्यवस्था में शुक्रवार को कहा है, तो वो लोग अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से करवा रहे हैं, और हम लोग लगे हुए प्रयास में, अगर थोड़ा सा कर्मचारी और बढ़ जाएंगे तो बाढ़ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी।